नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध केसरी टीवी। हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में और ये 319 पनियरा विधानसभा का क्षेत्र है और हमारे साथ हैं इस क्षेत्र की कद्दावर सपा नेत्री सुमन ओझा जी। मैम, चुनाव शुरू हो गया है, अब जाहिर सी बात है जब से आचार संहिता लागू हो गई है तो से तमाम नेता लोग घूम रहे हैं, लेकिन आप पिछले 5 साल से देख रहे हैं हम लोग कि लगातार क्षेत्र में जनता के सुख दुख में उनके साथ रह रही हैं, तो कैसा फीडबैक मिला है जनता से आपको? ये जनता से फीडबैक तो अच्छा मिल रहा है। आज की जनता जहाँ भी जाइए वहाँ सिर्फ सुमन ओझा की चर्चा हो रही है, और जनता भी जानती है कि हमारे बीच में 5 साल कौन रहा है और कौन चुनावी दौर में इस समय मेरे साथ आया है, तो जनता अच्छी तरह से जानती है और जनता जो काम करेगी वह बहुत सोच समझ करके निर्णय लेगी। मैम, वर्तमान जो विधायक जी हैं, तमाम क्षेत्र के लोग जो है शिकायत कर रहे हैं और कुछ उनके तारीफ में भी कर रहे हैं, कुछ शिकायत भी कर रहे हैं कि हम लोग के ऐसे सुनवाई नहीं, पूरे 5 साल हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई, और जो उनके समर्थक थे वो भी बोल रहे हैं कि हम लोग का तमाम समर्थक ऐसे मिले जो आपके पास उनके समर्थक आए और आपने काम करवाया, ऐसा सूचना उन्होंने खुद बताया कि हम लोग उनसे काम करवाए, हालांकि हम लोग उनके थे क्षेत्र में। क्या लगता है, पिछले 5 साल में डबल इंजन की सरकार थी, यूपी में भी और केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी और यहाँ से विधायक भी बीजेपी के थे, उस रूप में विकास हुआ है पनियरा का या नहीं? अब तो बेहतर जनता जानती है, मेरे देखने से तो कोई विकास नहीं हुआ। रहा सवाल कि सरकार थी फिर भी लोगों का काम नहीं हुआ, तो ये बिल्कुल सही बात है। हमने बहुत लोगों का काम इस विपक्ष में भी करवाया और निःशुल्क निस्वार्थ कराया, और बहुत लोगों का जब काम हुआ उन्होंने यही हमसे कहा कि जहां 10 रुपये देना है वहां 10,000 मुझे देना पड़ रहा है, और मैं अपने शुभचिंतकों का, अपने लोगों का इस विपक्ष के सरकार में भी बहुत दमदारी से, ईमानदारी से हमने काम कराया लोगों का। मैम, अगर जनता आपको अपना आशीर्वाद देती है तो कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं पनियरा की जिनको प्रथम वरीयता में आप हल कराएंगे? देखिए, सबसे पहले तो विकास का काम, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, ये सब जो जरूरी चीज़ है उसके लिए सबसे पहले फोकस किया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों के लिए कि आज हमारे नौजवान जो हैं बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, कुछ ऐसा काम किया जाए, नहीं सरकारी नौकरी मिल सकती है तो बड़ी बड़ी कंपनियां लगाया जाए, कुछ ऐसा काम किया जाए जो बेरोजगार हमारे नौजवान हैं वो अपना काम कहीं देखें। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से 40% महिलाओं को टिकट देने का एक शुरुआत भी कर चुकी है पहले लिस्ट में, तो क्या लगता है अन्य पार्टियों को भी ऐसा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी देनी चाहिए महिलाओं को? ये तो जो कांग्रेस की है उसके लिए तो मैं कांग्रेस की सराहना करती हूँ, और सबको ये काम करना चाहिए क्योंकि महिलाएं जब समाज में आगे रहेंगी तो महिलाओं पर कहीं से कोई गलती नहीं थोपा जाएगा, या उसका जो डेली जो समाचार में आ रहा है कि यहाँ बलात्कार हुआ वहाँ बलात्कार हुआ, तो महिलाएं अपने आप में एक से मजबूत महसूस करेंगी जब उनको अधिकार दिया जाएगा पुरुषों के बराबर। तो करीब 1 से 1.5 महीना पहले की बात है, लखनऊ में हमारी टीम थी और ऐसे ही रेस्टोरेंट पे माननीय डिंपल यादव जी और उनके साथी लोग थे, सचिव लोग थे। गौरवान्वित महसूस होता है जब हम लोग परिचय देते हैं अपना कि हम महाराजगंज के और फला जगह से हैं, और उन्होंने कहा कि अच्छा जहाँ सुमन मैम हैं, हम कहें जी सुमन मैम, हम कहें जी जी उसी पर, तो उसमें गौरवान्वित खुद को महसूस करते हैं कि यहाँ एक छोटा पिछड़ा जिला एक तरह से आज़ादी के बाद जैसा विकास होना चाहिए नहीं हो पाया, और यहाँ का नाम अगर प्रदेश स्तर का उच्च जो है अमला है, राजनीतिक अमला है, वो अगर जान रहा है बाय नेम बाय फेस तो खुद को गौरवान्वित। ये बताइए कि पिछले 5 साल से आप क्षेत्र में थी, आपने एक तरह से विपक्ष की भूमिका आप लड़ी है। हाँ, बिल्कुल सही है। सब लोग कह रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका, अजाय की बात है, हमारी टीम भी देखती रही है कि कोई भी मैटर हो, छोटा या बड़ा, दिन रात आप जनता का कोई भी मैटर हो, थाने से लेके, और कोविड काल में भी हम लोगों ने देखा ऑक्सीजन दिलाना हुआ, चाहे उसमें जो है आप जान की परवाह न करते हुए सबको सहयोग करती आई हैं, और वर्तमान में हम कह सकते हैं कि सपा समाजवादी पार्टी से टिकट की सबसे प्रबल दावेदार भी आप हैं, क्योंकि इलेक्शन है और जो है जाहिर सी बात है जो 5 साल विपक्ष की भूमिका में रहता है, लोगों की लड़ाई लड़ता है, वही सबसे पहला हकदार होता है। तो प्रेजेंट वर्तमान में तमाम लोग लगे हुए हैं लाइन पे, क्या लगता है आपको कि टिकट फाइनल हो जाएगा?
मुझे तो 100% लगता है कि टिकट मेरा ही फाइनल होगा, क्योंकि सरकार बनाना है और ये हमारे लिए करो और मरो का है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का समय चल रहा है तो सरकार बनाने के लिए वो हमेशा ही जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट देंगे, तो इसलिए मुझे 100% मुझे विश्वास है कि टिकट हमें भी मिलेगा। डिंपल यादव जी भी देखती हैं, रहती हैं, हम लोगों का खबर कभी कभी देखती रहती हैं, तो क्या कहना चाहेंगी सन अपने संदेश? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि एक सशक्त महिला है वो और महिलाओं की शुभचिंतक हैं, तो मेरे लिए उनसे यही कहना कि जब मेरा नाम वो जानती हैं तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि माननीय डिंपल यादव जी हमारे नाम को जानती हैं कि मैं महाराजगंज की रहने वाली हूँ, तो इससे बड़ा सौभाग्य मुझे कुछ है ही नहीं। वो जान गई तो हम समझ गए मुझे टिकट मिल गया। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कांग्रेस ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया है, और जाहिर सी बात है राजनीति में ये एक पलड़ा ऐसा था जो स्याह था, लेकिन कांग्रेस ने शुरुआत की है, तो अन्य पार्टियों को भी अब इस विचार इस धारा में आना पड़ेगा और महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। और खास आप हमारे साथ बैठी हैं सुमन ओझा जी, और राजनीतिक इनका विरासत के बारे में हम अगर कुछ बताएं तो ये बेमानी होगी। सब लोग जानते हैं कि कैसे स्वर्गीय ओझा जी थे माननीय मंत्री जी, जनता के मतलब वो परिवार में तो शायद ही आप लोग को समय दे पाते थे, वो नहीं समय दे पाते थे हम कह रहे कि क्योंकि वो दिन रात 24 घंटे तरह से वो जनता के ही होकर रहते थे। वो हमको लगता है कि 2-3 महीने के बाद एक दिन घर पे खाना खाते थे, नहीं तो क्षेत्र की जनता उनको इतनी प्यार करती थी कि बिना उनके खाए लगता उनका उनको खाना खा ही नहीं जा रहा है। तो स्वर्गीय हमारे पिताजी जो थे वो क्षेत्र में 24 घंटा रहते थे, रात का खाना तो डेली क्षेत्र में ही खाते थे, किसी न किसी के घर कभी खा लिए दिन का खाना तो कभी खा लिए। अच्छा अभी आपका इंटरव्यू शुरू हुआ है, तमाम लोग आ गए हैं सड़क से देख के, तो हम इनसे जानते हैं, बताइए पनियरा से किसको चाहते हैं समाजवादी पार्टी का टिकट? हम लोग सुमन ओझा को चाहते हैं। सुमन ओझा को, कोई कारण बताइए? सबसे फर्स्ट क्लास की नेता है, दुख सुख में सबको साथ लेकर घूमती है और सबकी मदद करती है। आप बताइए चाचा। सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन और सबसे संघर्षशील नेता पनियरा विधानसभा में कोई है तो ये, इनके अलावा कोई नहीं। अगर टिकट दूसरे को दिया जाता है तो निश्चित हार तय है, और सुमन ओझा को जिस दिन टिकट मिल गया उसी दिन इनके गले में माला पड़ जाएगा जीत का, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। आप बुजुर्ग हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, एक तरह से युवा भी हैं हम लोग के साथ, क्या जाते हैं आप, क्या रहे हैं? जी सुमन ओझा जी सबसे युवाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ नेत्री हैं, युवाओं के लिए काम करती हैं जी, बहुत अच्छा काम करती हैं। तो देखा आपने क्षेत्र की जनता भी, मैम उनका रिस्पांस भी पॉजिटिव है आपके तरफ से, और पनियरा से किसी कोई भी दे, ये नहीं कह रहा समाजवादी पार्टी ही, लेकिन पनियरा से मस्ट है कि एक बार महिला विधायक होना चाहिए, महिलाओं को प्रतिनिधित्व एक बार मिलना चाहिए। आज़ादी के बाद से ऐसा नहीं हुआ है, एक बार महिलाओं का हक बनता है कि उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कांग्रेस ने कहा था लेकिन कांग्रेस ने टिकट यहाँ से महिला को नहीं दिया है, तो ये अखिलेश यादव जी के पास ये अपॉर्चुनिटी गई है कि वो अगर पनियरा से आज़ादी के बाद से किसी महिला को टिकट नहीं मिला है, विधायक नहीं बनी है, अगर अखिलेश यादव जी इस पर विचार करेंगे तो पनियरा की जनता उनकी आभारी रहेगी।